अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक यासिर और आप देख रहे हैं मलिक ऑफिशियल। तो हम आज बैठे हुए हैं फैसल कॉटेज की छत के ऊपर सोलर पैनल की शेड के नीचे। तो भाई गर्मी बहुत तेज़ है, लेकिन ये शेड का ज़रा साया हमें मिला हुआ है यहाँ पे और हम यहाँ काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पीछे ये टैंकी जो लोहे वाली है, इसको हमने उतारना है। इसकी जगह पे एक नई टैंकी लेकर आए हैं, वो यहाँ ज्वाइंट करनी है और इसके अंदर ये पीछे जो है इसके अंदर एक टैंकी है उसे कनेक्ट करना है। तो अहमद भाई हैं, वो टैंकी लगाने का सामान वामान तैयार कर रहे हैं। ये भाईजान बुश उल्टी छूटी गई हैं, ठीक है। अब आप जब इसको अंदर से बाहर की तरफ मुंह निकाल के इसको टाइट करोगे तो एक प्लास से आपने पकड़ना है इसको और दूसरे रेंच से आपने इसको टाइट कर देना। अकेला बंदा ये बुश टाइट कर सकता है। गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी भी है, ऊपर तेज़ाब की जो स्मेल है उसका धुआं जो है वो आपके जब अंदर जाता है तो आपके फेफड़े, आपकी सांस वाली नाली, आपका नाक, दिमाग सब कुछ हिला देता है। तो एहतियात कीजिएगा, ख़ास तौर पे तेज़ाब का काम करते हुए लाजमी एहतियात कीजिए, क्योंकि प्योर जो तेज़ाब होता है, जैसे हमारा तेज़ाब है बिल्कुल प्योर, उसको आप जब पानी जब तेज़ाब लगा देते हैं टैंकी में, उसके बाद जब पानी डालते हैं तो दोबारा वो उबलता है, पानी डालने से दोबारा उबलता है। तो एहतियात कीजिए गाइस। यहाँ हमने रखनी है भाई टैंकी, ठीक है, इन ईंटों के ऊपर। ये ईंटें इसलिए रखी हैं कि जो प्लास्टिक वाली टैंकी होती है ना, ये वाला जो हिस्सा होता है इसका, ये इसको लाजमी हमने पक्का करना है। इस जगह से लेके इस किनारे से लेके इस नीचे वाले किनारे तक पूरी स्पोर्ट होनी चाहिए चारों साइडों पे इसकी गुलाई में। अगर ये स्पोर्ट ना होगी तो जो टैंकी है वो एक जगह से दब जाएगी और वहाँ से लीक हो जाएगी और इसकी लीकेज का कोई जुगाड़ नहीं है, किसी किस्म की कोई रिपेयरिंग नहीं है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का एहतियात करना है, जब भी टैंकी रखवाएं उसका जो पैंदा है वो मुकम्मल उसका भरा हुआ आना चाहिए, कोई साइड खाली ना हो। अक्सर ऐसा करता है कि चार चार ईंटें रख दी और टैंकी उसके ऊपर रख दी तो वो टैंकी फट जाती है, कामयाब नहीं होती। जी तो भाई साहब, यहाँ से हो गया हमारा काम ख़त्म और अब हम जाएंगे दुकान पर, और कोई ऑर्डर हो तो वहाँ काम करेंगे, वरना दुकान पर जाकर रेस्ट करेंगे। और अहमद भाई रास्ते में समझ जूस पिलाएंगे। अहमद भाई जूस पिलाओगे ना? अहमद भाई जूस पिलाएंगे हमें। भाई साहब आज की दूसरी टैंकी वाश हो गई है और ये हमारे आफत साहब, भाईजन कहाँ जा रहे हो, इधर आ जाओ ऊपर। ये हमारे आफत साहब थे, नीचे चले। आज का काम हो गया ख़त्म, आज का दिन भी ख़त्म हो गया। मिलते हैं कल अगले व्लॉग में, और कल तो नहीं यार, पता नहीं टाइम मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि रेगुलर व्लॉग नहीं बना सकता मैं। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।